थोड़ा माइनस खत्म कर देंगे किसी भी नंबर का तुसी मॉडलस लिखना है ना तो वह की आ जूगा इस टाइप ना की चीज आ प्लस ही है अगर कुछ भी नहीं लिखे तो मतलब प्लस ही होंगे है ठीक है ना तो माइनस टू लिखे तो वह मॉडलस टू ठीक है क्लीयर है हूँ इस होंगे है इस होंगे कि अगर थोड़ा कोई क्वेश्चन आया तो कहो कि इस कुछ है ही नहीं गा सिंपल जी चीज़ हैगी है ना इस अपने को दिक्कत आती हैगी कि कई बार सपोज कि क्वेश्चन आ गया माइनस टू मॉड प्लस थ्री मॉड ठीक है कि ये इक्वल है दोनों इधर कितना आंसर आंदा हैगा इधर कितना आंसर आंदा है फाइव की आऊगा माइनस टू का मॉड टू थ्री का मॉड थ्री फाइव कहते इधर पहला आप इन सॉल्व करांगे माइनस टू प्लस थ्री वन है ना तो इतने अपने को कितना आ गया वन का मॉड कितना आ गया वन क्या ना जिथे अपनी कंफ्यूजन क्रिएट होंगी है ना दोनों सही है पर इक्वल नहीं है दोनों सही है पर इक्वल नहीं है ना जी आप चीज इस समझनी है ना वो यही है कि मॉडल्स का वैसे तो कोई मतलब आप कहिए कि है ही नहीं कुछ थोन समझ आ ही गया कि तुम की करोगे मॉडल्स की करना माइनस हटाता तो मॉडल्स हो गया क्या बट ए क्वेश्चन च किवें यूज करना है है ना क्वेश्चन अपन किस टाइप ना ला सकता मॉडल्स का वो चीज़ आप समझनी है ना कि सपोज कि आ चीज़ आ गई कि ना आ चीज़ आ गई कि ये दोनों इक्वल है गे थोड़ा क्वेश्चन ने आए कि ये दोनों इक्वल है गे नहीं है ना बट थोड़े चो 5-7% ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने पहली बारी चे ये लग गया कि हाँ इन्हें कोई फर्क ही नहीं गा कि मॉडल्स आप अलग अलग कर सकते हैं कि ना अगर ये चीज़ होंगी कि मॉड ऑफ टू प्लस मॉड ऑफ थ्री इज इक्वल टू फिर इक्वल हैगा ठीक है ना फिर इक्वल है एदा मॉड कितना होगा टू एदा थ्री कितना आ गया फाइव एदा कितना आ गया फाइव फाइव का मॉड फाइव ठीक है ना हुण इहनू क्वेश्चन दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल लिखे आपां ये चीज़ कि इस टाइप का अपन क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुसी इसनूं देखने की कोशिश करो क्लीयर क्लीयर है मॉडल्स कहना तो इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना है कि जिवें आ चीज़ लिखी है आ चीज़ लिखी हैगी ठीक है ना अगर इन्हूं फॉर्मूले की फॉर्म च लिखीए तो इहदा जिहड़ा फॉर्मूला होंदा वो ये होंदा मॉड ऑफ ए प्लस बी लैस दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी आ इसका फॉर्मूला होंगे है मॉड ऑफ ए प्लस बी लैस दैन और इक्वल टू ठीक है ना या तो उस तो घट होएगा या उसके बराबर हो सकता है ठीक है ना दोनों चो कोई एक चीज होगी दोनों नहीं कदे भी हो सकती है ना या तो उस तो लैस होगा या कि उसके इक्वल होगा देखो तुसी दोनों केस किते हैगे है ना इस केस की सीगा लैस सीगा है ना इस केस की हैगा इक्वल हैगा है ना दोनों अलग अलग तरह के केस हो गए ठीक है ना तो ये अपना फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी लैस दैन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी क्लीयर है इस बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन किसी ने कोई डाउट क्लीयर हैगा ठीक है उस तो बाद नैक्सट अपने को है फॉर्मूले आ जाते हैं ठीक है नैक्सट अपने को है फॉर्मूले आन गए फॉर्मूले किवें ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ठीक है ना ये अपने को सिंपलीफिकेशन च यूज होंगे है ठीक है ना ये अपने को है सिंपलीफिकेशन च यूज होंगे है ठीक है ना अगर तुसी किसी ने भी सॉल्व करना है तो उन्होंने सॉल्व करने लिए ये अपने को फॉर्मूले यूज होंगे है ठीक है ना ए प्लस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर
माइनस टू ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले बेटा ये सब तो वध यूज होंगे है ये तीन फॉर्मूले सब तो वध यूज होंगे है पावर थ्री वाला भी लिखता है ना पावर फोर वाला भी लिखता तो वो थोड़े लिए याद करना बहुत डिफिकल्ट है ना वो थोड़े लिए याद करना बहुत डिफिकल्ट है तो इसलिए की है मैं थोड़ा एक मैथड दस देंगा है ना बहुत सिंपल जहा मैथड है उस मैथड नाल की है दो पावर आ जाए तीन पावर आ जाए चार पावर आ जाए पांच पावर आ जाए है ना कि तुसी एक मिनट के विच विच की है उन्हें सॉल्व कर दोगे थोनू फॉर्मूला याद करने की लोड़ नहीं गी ठीक है ना थोनू फॉर्मूला याद करने की लोड़ नहीं गी ठीक है उसका नाम भी होंगे उसनू पास्कल रूल कह देंगे पास्कल ठीक है ना देखो मैं तुम्हें दस दें कि पावर एक तो शुरू होंगे वो ठीक है ना कि पावर एक तो शुरू होंगे कि ए प्लस बी की पावर वन ए प्लस बी की पावर टू ए प्लस बी की पावर थ्री इस टाइप ना लगे जिन्नी मर्जी पावरस आदि रहन तुम उसनों सॉल्व कर सकते हो ठीक है कोई गल नहीं थोड़ा यार कहने थोनू अद्धे एन एन तो समझ आ भी गया होगा कि आ मैं किस तरीके नाल लिख रहे हैं है ना ए की है पावर वन लई पावर टू लई पावर थ्री लई पावर फोर लई पावर फाइव लई ठीक है क्लियर है ये समझ लग गया कि किस तरीके नाल लिखेगा है ना देखो पहला वन प्लस वन लिखिया फिर इतने वन तो स्टार्ट करना ही करना है हर कोई वन तो स्टार्ट करना है क्या वन तो स्टार्ट किया वन प्लस वन टू वन नाल एंड हो गया फिर वन तो स्टार्ट किया वन प्लस टू थ्री ठीक है ना टू प्लस वन थ्री वन तो एंड हो गया फिर वन तो स्टार्ट किया वन प्लस थ्री सिक्स फोर वन फिर वन तो इस फाइव टेन टेन फाइव वन हूँ जे तुसी अगली लिखनी अगली लिख सकते हो ना है ना अगली की आएगी इतो वन स्टार्ट होया सिक्स ठीक है क्लियर है जिन्नी मर्जी पावर चाहो तुसी उन्नी पावर बना सकते हो क्लियर है ठीक है जेड़ा पा आ लिखे है ना आ नंबर्स लिखे है इन्हें कोफिशेंट कहते हैं कोफिशेंट हाँ तो हूँ जो तुसी आ ब्रैकेट खोलते हो ये नाल ए ते बी भी होंगे है ना आप इतने ए बी तो लाया ही नहीं गा है ना ए बी भी होंगे ना जो आप फॉर्मूला लिखा सीगा तो उत्थे ए बी भी होंगे बट इतने आप ए बी तो लाया ही नहीं है ना ए बी लाना बहुत सौखा है ठीक है ना देखो आ एक पावर सी ना पहली वाली एक पावर ली है ना तो इतने ए की पावर एक बी की पावर एक ठीक है इतने ए की पावर दो हूँ ए की पावर घटी जानी है तो बी की पावर वधी जानी है
देखो ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लिखा ना तुसी, पावर दो वाला फॉर्मूला तुसी अपनी नोटबुक से लिखे देखो, आई चीज लिखी है ना, आई चीज लिखे ना अपा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, एक्चुअल च ए की होंगे ए स्क्वेयर टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है क्लियर है ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ a ਤੇ b ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੀ ਲਿਖੇ ਸੀ ਹਨਾ, ਨਾਲ a b ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ a b ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 19 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, 1 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ, 2 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ, 3 ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ, 4 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ, 5 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 1 ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ठीक है क्लियर है, क्लियर है बेटा, होर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस कोई डाउट, क्लियर है सबनों, ठीक है, तो हम देखो इनू सॉल्व करना बहुत सिंपल जै, हूँ आ बना आ गया ना थोनों, जिनी मर्जी पावर आ जाए तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, जिनी मर्जी पावर आ जाए थोनों होर बहुते फॉर्मूले याद करने की लोड़ नहीं, नहीं तो मैं थोनों पावर थ्री वाला फॉर्मूला लिखा है ना, पावर फोर वाला फॉर्मूला लिखा, वो सारे फॉर्मूले थोड़ा अलग अलग सॉल्व करने पैंते, ठीक है ना, हूँ तुम इको ची सारी जिनी मर्जी पावर आ जाए सॉल्व कर लोगे, इस भी सेम ही लिख लोगे है ना, ए की पावर 6 तो स्टार्ट होगा है ना, ए की पावर 1 1 घटी जाऊगी, बी की पावर 1 1 वधी जाऊगी, क्लीयर है, हो गया। हूँ एक क्वेश्चन थोड़ा ये होना चाहिए कि अगर इतने प्लस की जगह पर माइनस आ गया है ना, मैं थोनों ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लिखाया ना, ए माइनस बी दे होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, अगर इतने प्लस की जगह पर माइनस आ गया तो आई सेम रहना, बहुत सौखा जहा काम है, ठीक है ना, इतने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस तो स्टार्ट करना है, ठीक है ना, अल्टरनेट साइन लगाने है कि प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अगर तुम इस तरीके ने याद रखोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जूगा, अगर मैं थोड़ा अलग तो लिख के दूंगा ना ए माइनस बी दे होल क्यूब का फॉर्मूला है ना, वो तुसी प्लस माइनस हमेशा गलती करोगे, तुसी फॉर्मूला याद करना है ना इस तरीके ने हमेशा याद करो, ठीक है ना, हम देखो आप सारा पढ़ लिया, हूँ अगर अपन क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन आ गया 3x, ठीक है 3x माइनस 4y की पावर 3, 3x माइनस 4y की पावर 3, ठीक है ना, तुसी इनू सॉल्व करना है 3x माइनस 4y की पावर 3, ठीक है, तो बाकी आप रब कर दिए है ना, कल अपना 3 वाला लिख लिए है ना, कल अपना 3 वाला लिख लिए बस, ठीक है, सिर्फ अपना 3 वाला लिख लिया, ठीक है, कला 3 वाला लिख लिया, तो तुसी ए ते बी दी जगह ते वैल्यू पुट करनी हैगी है ना, ए ते बी दी जगह ते वैल्यू पुट करनी हैगी, 3x दी पावर 3, ठीक है, साइन चाहे बाद चो ला लियो, साइन छड़ दियो एक बार, ठीक है ना, 3x दी पावर 2 इंटू बी 3x, हूँ साइन ला लो, प्लस तो शुरू करना सी, प्लस माइनस ठीक है, सॉल्व हो गया बस, 27x³ चौका 3 मल्टीप्लाई था बेटा, वो तो आप ही करनी पाऊगी ना, कि 3 दी क्यूब है कि 27 3 इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 4, ठीक है ना, ये चीज़ तो थोड़ा करनी पाऊगी, मेन ये है कि तुम ये समझने की कोशिश करो कि अगर थोड़े को क्वेश्चन से तो तुम इस फॉर्मूले की हेल्प नाल इसे सॉल्व कर सकते हो,
इस देखो अगर किसी ने कोई डाउट है, इससे कोई चीज नहीं पता लगी कि मैं किवें वैल्यूज पुट कीती है गी। साइन देखो इतने माइनस वाला आ गया ना, जे तो प्लस है फिर तो सारी प्लस होने हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जे माइनस का साइन आ गया, मैं की किया सी, मैं पहला इतने कोई भी साइन नहीं लगाया सी, है ना, मैं कोई भी साइन नहीं लगाया सी, मैं कला आप वैल्यूज पुट की है ना। माइनस वाले आप करना इतों प्लस तो शुरू करना है ना, हमेशा ही प्लस तो शुरू करना है, कद चेंज नहीं होना, हमेशा प्लस तो शुरू होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ ये हमेशा ही आए चलूगा, तुम यही नहीं सोचना कि लास्ट से कड़ा आया, माइनस आया प्लस आया, तुम शुरू प्लस तो करना है बस। कहना लास्ट से जोड़ा मर्जी आए उस अपन कोई मतलब नहीं, आप शुरू प्लस तो करना है। होर बेटा किसी ने कोई डाउट, क्लीयर है बेटा लास्ट तक सबन के क्लीयर हो गया कि वैल्यू आप कि पुट करनी है। ठीक है ना, अगर फोर वाला भी आ गया है ना, देखो लिखो फोर वाला लिखो, टू एक्स माइनस थ्री वाई की पावर फोर है ना, सोल्व करके देखो कितना आ गया, देखो बना के तुसी इतों ही बना लो, चाहे अब बने ही पे थोड़े को है ना, पावर थ्री वाला बनया पे तो इस तो फोर वाला बना लो, इतों ए दी पावर लिख लो, सॉल्व कर लो बेटा, कोई गल नहीं बोलो ना, सॉल्व कर लो। देखो आई बने ना शब्द के ना, इस तो बाद इनू की हैगा सिंपलीफाई करना है, मतलब कि इन्हें सारे मल्टीप्लाई करके के ना, जिस तरीके ने आ चीज लिखी है आ लिखना हैगा। क्लियर है सबनों के बेटा, हले भी किसी नू डाउट है कोई चीज नहीं लिखनी आ रही है ना, इस तो आ नहीं लिखना आ रहा के ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आ वैल्यू थोड़े याद हो जाएंगी, तो तुम सीधा लिख सकोगे। की चीज आ देखो ना, इतों शुरू किया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के ना, इतों शुरू किया सी आपां, माइनस साइन दा आपां अगे कंटिन्यू नहीं करांगे ना, इनू इत्थे तुसी माइनस ना पाओ ना, वो मैं थोनू दस ही दिता कि साइन ओवें लाने, प्लस माइनस लाने, तां करके लोड ही नहीं उह करन दी, क्योंकि ये है ना कि सारे ऐ जे है नहीं कि सारे ये चीज़ नू समझ लैन है ना, फिर उन्होंने वो दसना पू कि माइनस की ऑड पावर है तो माइनस बाहर आऊगा, ईवन पावर है तो खत्म हो जाऊगा ना, ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, आ सब ले समझना सुख हैगा कि प्लस माइनस बस। ठीक है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा उस चक्कर च पाया नहीं कि इतने माइनस थ्री वाई लाओ या वो लाओ। हाँ जी बेटा क्लीयर है सबनों, किसी ने कोई डाउट है इस च? ठीक है, इस तो बाद बेटा नैक्सट अपने को ना सिंपलीफिकेशन च थोनू एलसीएम करना आना चाहिए है ना, एलसीएम करना आना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शनल टर्म्स आदि है। ना दो टर्म्स है तुसी इन्हां नू ऐड करना हैगा है ना, ये अपने को फ्रैक्शनल टर्म्स होंदी है ना, आ दो फ्रैक्शनल टर्म्स है तुसी इन्हां नू ऐड करना है, तो इन्हां नू ऐड करन दा एक तरीका होंदा है कि तुसी इसका की हैगा एलसीएम कर लो के ना, कि तुसी इसका एलसीएम कर लो के ना, एलसीएम करन तो बाद ही आपां इस नू की है सॉल्व कर सकते हैं के ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोनू टर्म्स का एलसीएम करना आना चाहिए।
ठीक है, हुण जिवें 4 और 6 हैगा, 4 और 6 है, 4 और 6 का की आपां LCM करना हैगा, है ना, 4 और 6 का आपां LCM करना हैगा। तो LCM करने का की तरीका होंदा हैगा कि तुसीं देखो कि केड़े अपने कोल की इक्को पाड़े ते जा रहे हैगे। आपां शुरू हमेशा कित्थों करदे हां, 2 तों, है ना, 2, 3, 4 उदों अगे आपां उस तरीके नाल चलदे हैगे, ठीक है ना। पर आपां ट्राई करदे हां कि सब तो छोटे तो छोटा आपां चलीए, ठीक है ना। 2 ते चलाया, ता बस अपने को होर कॉमन तो चलता ही नहीं है ना, 2 ते चलाया, ठीक है। तो जो ये एलसीएम करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ये अपने को की हैगा एलसीएम आ गया, ठीक है, क्लियर है बेटा। ये अपने कोल के एलसीएम आ गया, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, जिन्नी मर्जी है। हुण कई बार सपोज कि अपने कोल की है, अगर उल्टा लिखा होंदा, फोर बाय थ्री प्लस सिक्स बाय फाइव, है ना, फिर आप एलसीएम कर दे, फिर अपने कोल एलसीएम करो, तो कितना आ गया अपने को, 15, 15, ठीक है, क्लियर है। ये चीज जो तुम हौली हौली करोगे प्रैक्टिस नाल, ये थोड़ा वार वार आ कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं गी, ठीक है ना। बट मैं ये चीज रेकमेंड करूंगा, अगर थोड़े मन च थोड़ा जा भी डाउट है, है ना, अगर थोड़ा नहीं क्लीयर कि यह एलसीएम इन्ना ही आऊगा, तो उन्होंने सोल्व करके देखो, ठीक है ना, क्योंकि 5 या 10 सैकेंड तो वो टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, 5 या 10 सैकेंड तो वध टाइम नहीं लगता। बट अगर थोड़े मन च थोड़ा भी डाउट है, तो उसनू सॉल्व जरूर करके देखो। ये तो बहुत छोटिया छोटिया टर्म्स लिखी हैं मैं, ठीक है ना, एग्जाम च ये नहीं एक्सपैक्ट करियो कि थोनू बिल्कुल आ छोटिया छोटिया टर्म्स आन गिया, ठीक है ना, थोड़िया वड्डिया टर्म्स भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस टाइप नाल सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बैटर रहेगा, ठीक है। पहला आप सिर्फ आ चीज़ देखिए, उस तो बाद एड या सबट्रैक्ट करना, वो आप फिर सीखते हैं, ठीक है, क्लियर है। एलसीएम च अगर किसी को कोई डाउट है तो देखो, पूछो बेटा, एलसीएम च अगर किसी को कोई डाउट है, क्लियर है सबनों, ठीक है। हुण अपने कोल के एक होर चीज आ जाती है, मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं उसनों आपां, है ना, मिक्सड फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसनों आपां कह देंदे सी कि सहीआं पन्ने नहीं है, है ना। तो आप किवें करते सीगे, 3 × 3 + 2, 3 × 3 + 2, 11/3, ठीक है ना। तो मिक्स फ्रैक्शन नू पहला आप सिंपल की है फ्रैक्शन की फॉर्म च लिखना है, है ना, मिक्स फ्रैक्शन नू आप की है पहला सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म च लिखना है, क्लीयर है सबनों। देखो इस टाइप नाल बेटा अगर कोई क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन, है ना, तो इसमें आप मिक्सड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस पहले आप इस फॉर्म से चेंज करना होंगे, ठीक है ना, इस किवें चेंज करते हैं, 3 × 3, ठीक है, +2, 3 × 3 + 2, तो ये अपने को कितना आ गया, 11, 3 × 3 + 2 = 11, ठीक है। अगर तुम इस तो इसनों इस फॉर्म से बनाना है, है ना, तो किवें इसनों पाक करो, ना इसनों पाक करो, कि ना किन्ने दे पाड़े दे गया, 3 दे, 2 अपने कोल की रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना। तो इसनों आप इस फॉर्म च लिखता, उपर अपने कोल रिमाइंडर आ गया, कोशेंट और डिवाइजर, ठीक है, क्लियर है सबनों, ठीक है। तो एलसीएम और मिक्स्ड फ्रैक्शन, एलसीएम और मिक्सड फ्रैक्शन, और जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले की बेटा जरूर प्रैक्टिस करियो, जो मैं थोड़ा पावर वाला लिखवाया है, है ना, नैगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, अलग अलग तरीके दे, ठीक है ना, अलग अलग तरीके दे, ठीक है ना, वो सारे अपने को एक बार जरूर ट्राई करियो, ठीक है।